नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी, हम आए हुए हैं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम के पास। तो देख सकते हैं पीछे है यह मालाबार गोल्ड एंड डायमंड का शोरूम। तो हम लोग आए हुए हैं जी पटना। पटना में हम लोगों को करनी थी शॉपिंग। हम लोग तो सारी शॉपिंग कर चुके हैं जी, बस अब बारी है ज्वेलरी के शॉपिंग की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसके लिए बताएं? लेडीज के लिए जी। माँ को भी चाहिए थी ज्वेलरी, माँ का बर्थडे आ रहा है वो भी है, और साथ तो लेकर हमारे देवर की शादी है, तो हमने सोचा यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। जिया जो है अपने बारे में नहीं बता रही है कि जिया कह रही थी, शिकायत कर रही थी कि आप जो है बहुत दिनों से हमें कोई भी ज्वेलरी खरीद करके नहीं दिए हो। तो हम कहे चलो तुम भी चल लो, लगे हाथ खरीद लो। तो हम लोग हैं जी अभी पटना के हथवा मार्केट में, और यहाँ पर है यह शोरूम। तो अब सीधा अंदर चलते हैं, अंदर चलकर सारा कलेक्शन देखते हैं। तो फाइनली जी हम लोग अंदर आ गए हैं, और जैसे ही अंदर आए देख रहे हैं अच्छा खासा कलेक्शन है यहाँ पर। बाकी अभी जैसा यहाँ हम लोगों ने सुना था अभी तो वैसा मुझे दिख ही रहा है। अभी तो हम लोग गोल्ड देखेंगे, फिर ऊपर साइड डायमंड का है, तो वो भी हम लोग जा करके विजिट करेंगे। बाकी जिया को देखते हैं क्या क्या पसंद आता है और माँ को क्या क्या पसंद आता है, देखते हैं आप क्या क्या दिलाते हो। अच्छा, ये बात है, तो कोई बात नहीं जी, तो देखते हैं फिर। इसके अलावा और भी कुछ देख लेते हैं, ये तो चलिए अच्छा है। और भी कुछ ये वाला वो बीच वाला, ओके। तो ऐसा करो ये कुछ कुछ ट्राई करके देख लो, बहुत अच्छा लगे तो। अच्छा, यहाँ अच्छा, और रेट में क्या है? साथ में इंश्योरेंस सब का है यहाँ पर? हाँ, वन ईयर का फ्री इंश्योरेंस है। ओके, और मेंटेनेंस मिलेगा? हाँ, मेंटेनेंस लाइफ टाइम। काफी खूबसूरत सा लग रहा है, डिजाइन काफी यूनिक सा है। और अभी तो ये अधूरा है, एक और इसमें पहनाया जाएगा तब उसके बाद। लॉन्ग वाले ये बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें देख रहे वर्क कितना अच्छा किया हुआ है। यहाँ एक जरी का वर्क किया गया है, और इसका जो बॉर्डर है ये देखो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। वैसे यहाँ पर एक से इससे मन नहीं भर लेना, और भी अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर। फाइनली जी हमारा तो एक नेकलेस हो चुका है फाइनल, और उसके बाद जो है कुछ कुछ बैंगल भी अभी ऑप्शन में रखा हुआ है जिया ने अभी तक जो डिसाइड नहीं किया है कि आखिर कौन सा उसमें से लेना है, तो कह दिया है कि ये दो तीन ऑप्शन में रखो, देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं किसी और अलग सेक्शन में, और हम लोग जा रहे हैं अभी डायमंड के सेक्शन में, तो वहाँ पर भी देखते हैं कैसा कलेक्शन मिलता है। अभी तक गोल्ड का तो हमने देखा काफ़ी अच्छा सेक्शन है, तो वो भी लिया जाएगा। बाकी पत्नी महारानी है, खर्च करवाने में पीछे नहीं रहती है, तो चलते हैं जी किसी और सेक्शन में। तो जिया फाइनली आ गई है उस सेक्शन में जिस सेक्शन का जिया को सबसे ज्यादा इंतजार था। तो किस सेक्शन का हमें इंतजार था? अभी आप देख सकते हैं पीछे वहाँ पर, तो डायमंड का सारा वहाँ पर सेट है। नमस्ते जी, तो पत्नी महारानी आई है, कुछ दिखा दीजिए इनको। तो फाइनली जिया का आ गया है सारा रिंग का कलेक्शन, और यहाँ पर सारा नहीं आया, कुछ आया है, कुछ आया है इसमें से। तो जिया बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारे बजट का ख्याल रखे थे हम, हमारे बजट का ख्याल रखना है। जो भी आप कलेक्शन देख रहे हैं ये सारा लेडीज का कलेक्शन है, और वैसे यहाँ जेंट्स का भी मिल जाता होगा ना? हाँ, जेंट्स की कलेक्शन भी मिलता है। ओके, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा डिज़ाइन का यहाँ पर है, और जिया कुछ कुछ ट्राई करके भी देख रही है। ये पतला सा बड़ा प्यारा लग रहा है, ये सबसे यूनिक है। अच्छा, इसके बारे में मुझे कुछ डाउट था, खास करके इसके प्योरिटी को लेकर के होता है मुझे, कि इतना ज़्यादा पैसा हमारा लग रहा है यहाँ पर, प्योरिटी रहेगा कि नहीं यहाँ पर, इसकी क्या गारंटी रहेगी? इसका
आपको IGA का सर्टिफिकेट देंगे जो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इसको सर्टिफाइड करती है कि इसकी कलर क्या है, क्लैरिटी क्या है, कट क्या है। उसमें डायमंड के वेट भी लिखे हुए रहेंगे, कलर क्या है वो भी रहेगा, क्लैरिटी क्या है। तो आप इन फ्यूचर कभी भी एक्सचेंज बायबैक आप कभी भी कीजिएगा तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर आना होगा। उसके थ्रू आपको 100% एक्सचेंज मिल जाएगा। अच्छा 100% एक्सचेंज मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कॉस्ट 100% होगी, गोल्ड की कॉस्ट भी 100% हो जाएंगे। जहाँ हमने लास्ट टाइम लिया था वहाँ पर 90% मिल रहा था। ये मुझे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर जो है आपको 100% एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात। तो उस समय हमें क्या करेंट रेट से सर, करेंट रेट से डायमंड की कॉस्ट हमेशा बढ़ते हैं सर, बढ़ते रहते हैं। तो जो भी इंक्रीज किया हुआ रेट रहेगा उस हिसाब उस समय का तो मार्केट रेट रहेगा उस हिसाब से। वाह काफी अच्छा है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन भी काफी अच्छे हैं जो कि बहुत कम जगह ये मिलता है। तो और भी वैरायटी होंगे मैम इसमें, आपको जो भी पसंद आप एक बार साइड से ली मैं और भी आपको डिजाइन। शादी के टाइम आएंगे आते आप, कोई बात नहीं फिर से शादी कर लो मिल जाएगा। ठीक है अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं हमारे बेटे ने क्या किया है। तो जिया ने अपना जो है रिंग अपना कुछ कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, हमने रखा हुआ है कुछ कुछ ऑप्शन में, और अब बारी है नेकलेस देखने की। सोचा कि यहाँ पर आए हैं तो सब कुछ यहाँ पर देख ही लेते हैं। और यहाँ पर पता चला कि 30,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगा, और यहाँ टेस्टेड और सर्टिफाइड डायमंड मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो भी गोल्ड मिलता है सबसे अच्छी बात क्या है कि BIS हॉलमार्क में मिलता है, जो कि एक शुद्धता की आपको गारंटी मिलता है। और यहाँ का जो मैंने मेकिंग चार्ज देखा बिल्कुल ही जेन्यून है, जो कि 4.9% से शुरू होता है यहाँ पर। और रेट का तो आपको सोचना ही नहीं है, रेट यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया में, जैसा कि लोग दावा करते हैं कि आपको यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर सबसे बेस्ट गोल्ड का रेंज मिलेगा आपको। तो तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है ये मतलब? बाकी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है कि क्या काम है कैसा है क्या है तो मैम है आपको बता देंगे सब कुछ। आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये वाला ट्राई करवा दो आप, मैं दिखाता। ये हमारा दिया कलेक्शन, जस्ट वो देखने में डायमंड के छोटे छोटे स्टड हैं, बट वो दूर से देखने में वो जैसे दिया स्पार्क करता है काफ़ी दूर तक रोशनी करता है, उसी लुक में याद रहता है। तो ये हमारा दिया कलेक्शन हो गया, ये वर्षा कलेक्शन हो गया वर्षा, ये हमारा हो गया है लेरा कलेक्शन है ये, और ये लारा कलेक्शन हो गया। लारा कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताते हैं डिटेल। लारा कलेक्शन जैसे वो एक कहता है परछाई, तो वो जैसे कि दिया हुआ है डायमंड है उसके साथ स्टोन भी दिया हुआ है, तो जस्ट लाइक वो दोनों लुक आ रहा है आपका। okay. डायमंड का भी आ रहा है और ये कलर स्टोन अच्छा, का भी लुक आ रहा है। ओके ओके ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं जी नए सेक्शन में, और वहाँ पर तो देख लिया अपना नेकलेस का सेट, और यहाँ जो आए हैं कुछ अलग तरह का सेक्शन है। हम लोगों को जितना नॉलेज था जानते थे गोल्ड डायमंड सिल्वर इतना तक ही, लेकिन इसके अलावा भी ज्वेलरी में अलग अलग तरह के वैरायटी सब होता है, जो कि आज मैं जो कि आज जिसके बारे में आज हमें पता चला है। तो जो भी हमारी तरह अनारी है आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको भी मालूम चल जाएगा कि और क्या क्या सेक्शन होते हैं ज्वेलरी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं जी अलग सेक्शन में, और देख सकते हैं हमारे सामने जो है 3 अलग अलग तरह का नेकलेस का सेट है। तो मैडम इनके बारे में बताएंगी। हाँ इसके बारे में थोड़ा ये हमारा पीसेस स्टोन है, ये पीसेस स्टोन से बेसिस मतलब गोल्ड के वर्क पर आपका ये स्टडेड ज्वेलरी है, 5 कैरेट गोल्ड रहता है, और इसमें जितने भी स्टोन दिख रहे हैं ग्रीन है वो पन्ना है, रूबी है, मोती है, ये सारे चीज़ें प्रीशियस स्टोन में लाकर ये ज्वेलरी को बनाया है। तो प्रीशियस स्टोन क्या हुआ? प्रीशियस स्टोन हो गया जैसे कि आपको जेम्स स्टोन रहता है ओरिजिनल स्टोन, जैसे कि आप पन्ना पहनते हैं रूबी पहनते हैं तो वो बेसिकली आप लोग रिंग में यूज करते हैं, बट ये आपको ज्वेलरी में भी हमारे पास मिल जाएगा, जो कि ये कलेक्शन आपको बाहर में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मालाबार में ही मिलता है। क्योंकि आप सिर्फ रिंग वेयर करते हैं बट आपको कभी शौक हुआ कि हाँ नेकलेस पहनना बैंगल पहनना, तो वो प्रीसियस स्टोन में आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी। वाह अच्छा है जी। तो देख सकते हैं जी कितनी अलग अलग तरह के ज्वेलरी के सेट सब होते हैं। और ये हमारा अनकट डायमंड का डायमंड का है। अनकट डायमंड ये जैसे हो गया ये नेचुरल डायमंड का है, जैसे उसमें कट एंड पॉलिश का मैंने अभी दिखाया था, उसमें कट एंड पॉलिश ये नेचुरल डायमंड का पीस रहता है, उससे ये ज्वेलरी बेस रहता है, उसके ऊपर ये स्टोन है कलर स्टोन। हमने तो जितना देखा
देखना था कि सब कुछ देख लिया और आपको भी सब कुछ दिखा दिया, और हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे तो हमें जो है एक और सेक्शन दिख गया यहाँ पर, सिल्वर का कलेक्शन है यहाँ पर, और देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलेक्शन सब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वह कटोरी है, और उसके बाद अलग अलग पूजा का आइटम सब जो भी होता है वो सब वहाँ पर है, और यहाँ पर ब्रेसलेट सब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ब्रेसलेट सब है यहाँ पर। जिनको भी लेना है वो आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन की कमी नहीं है, बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। ये पसंद नहीं आए तो वो बहुत सारे, मतलब यहाँ से आप ये नहीं कह के जाओगे कि यहाँ पे कलेक्शन आपको नहीं मिला, कि आपको आपकी पसंद का चीज नहीं मिला। ज्वेलरी शॉप गए वहाँ पे हमको ये पसंद नहीं आया तो हम दूसरी जगह गए, लेकिन यहाँ पे ये आपको यहाँ पर आपकी पसंद से ज्यादा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है जी गोल्ड का कलेक्शन, और यहाँ भी देख सकते हैं ब्रेसलेट का कितना प्यारा प्यारा सा कलेक्शन है। साथ में आप देख सकते हैं कि वह नेकलेस का कलेक्शन कितना प्यारा सा है सब कुछ। तो जी आप ऐसा करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।